हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोग को मेरे यूट्यूब अमर स्नैक के चैनल पर। आज कमरनगंज गांव में फिर से गहूँ का सांप निकला हुआ है। लोग देखा है कि घर में सांप है और यहां पर हम लोग हमारे टीम लोग साथ में हम लोग आए हैं निकालने के लिए। आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहिएगा तब तक जब सांप नहीं निकालते हैं। आप लोग जो है कि चैनल पर जो लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये जरूरी है कि लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों यहाँ पर खतरा हो भी सकता है, नहीं भी होगा, आप लोग हमारे वीडियो बने रहिएगा। अब सांप निकाल कर दिखाते हैं, आइए हमारे वीडियो पर बने रहिए। कौन देख रहा है? खड़े बाबू तुम तो खड़े जाओ, खड़े जाओ। लाइक क्या करे? ए चल कहां पर है? अरे ये तो गहमत सांप है भाई, तो आप देख सकते हैं बहुत खतरनाक सांप है। थोड़ा सा यहाँ दिखाते हैं आपको, रुक जाइए हमको देख लीजिए। आप देख सकते हैं, लाइट दीजिए, लाइट दीजिए। चलिए वो हटे, टेंशन मत लीजिए आप लोग, चलिए पीछे चलिए पीछे। तो ये काफी खतरनाक सांप है। कौन खड़ा थे? कौन सा भाई? देखिए नाली उली है इधर, नाली उली है। आप लोग शांति बनाइए, आप लोग थोड़ा सा शांति बनाइए, सुन लीजिए आप लोग। और थोड़ा उधर रख दो। ये जो सांप है काफी खतरनाक होता है, जो कि आदमी को काटने के बाद में घंटा एक घंटा के बाद में आदमी की मृत्यु होता है। और ये आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा सांप किसी व्यक्ति को काट दे तो कोई झाड़ फूक मत कराइए। हम बार बार वीडियो में बताते हैं और कहना है कि मतलब ये नागिन सांप है, समझ गए ना, ये नागिन सांप है। अब बहुत खतरनाक सांप होती है ये, कि मतलब कि 45 मिनट और एक घंटा के अंदर में आदमी की मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग होता है कि मतलब कि अमवा के सती माई तो अर्जुन बीघा बाघ चल जाता झरवाने के लिए, ये भूल के भी मत काम कीजिए। आपको सांप काटा, कोई भी सांप काटा, आप हॉस्पिटल जाइए। आपका हॉस्पिटल जाना और सांप से बचना ये कर्तव्य है, कि मतलब आप हॉस्पिटल जाइए तभी बच सकते हैं। अन्यथा झाड़ फूक के चक्कर में रहिए तो अमवा के सती माई तो अर्जुन बीघा पानी डाला कुछ चूहा हुआ खाया है, निकलेगा निकालेगा। देखिए ये देखिए कुछ खाया है, देखिए किस तरह से बोल रहे हैं, चूहा खाया है, हाँ चूहा खाया है। और खास करके ये अब देखिए बहुत फुर्ती में हो गया है, अब निकाल दिया ना, फुर्ती में हो गया। और जो है एक और खाया है, ये एक और खाया है, ये कुछ जो कि वो भी उगलेगा। हम आपको बता दे रहे हैं कि इस तरह के सांप अभी एक साल पहले इतना ही बड़ा सांप गहमत सांप 4 साल के बच्चा को सांप काटा था, जो कि मतलब कि बच्चा मर गया था। वो लोग झाड़ फूक के चक्कर में रह गए थे। लेकिन हम आप लोग से बार बार यही कहेंगे कि कभी भी झाड़ फूक मत कराइए। आपको जो भी सांप काटे डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंची, आपका जान बच जाएगा। न तो अमुआ का सती माई था अर्जुन बीघा बाघ चल जाइए, नीम के पत्ता पानी डलवाते रहिए, आपका जान नहीं बचेगा। आई ना कि मैंने फलानवा डाइन के लिए बिया तो चिलनवा डाइन के लिए बिया, पेशुआ साफ है तो हई है तो हा, वही सब ना होला, पेशुआ साफ ना होला। ये सब आदमी के भरम बा कि पेशुआ साफ होला, पेशुआ साफ नहीं होता है। देखिए ये जो है
कि काफी खतरनाक है, इसको छोटा मत समझ। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से, बहुत लोग कहता है कि बिंग बजाने से सांप नाचता है, आज हम आपको दिखा दे रहे हैं कि ये जिस तरह से हम पैर करेंगे अपना, उस तरह से ये अपना मुड़ी करेगा। देखिएगा आप देखते होंगे कि बिंग जब बजाता तो इधर उधर मुंह करता है, तो उस दौरान क्या होता है कि डंक मारने के लिए ये प्रयास करता है कि हम डंक मारें, तो काफी ये जो है कि गुस्सेला खतरनाक होता है। इसमें जो होता है जहर न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है, इसी का जहर से एंटी वेनम बना हुआ है, जो भारत में पूरे भारत भर में हेमोटॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन दो एंटी वेनम बना हुआ है, कि जो करैत और गहुम सांप में न्यूरोटॉक्सिन पड़ता है, और रसल वाइपर किंग कोबरा जो सोस वाइपर जो होता है उसमें जो हेमोटॉक्सिन पड़ता है, तो इसका ही जहर से आपका जहर शरीर ठीक हो सकता है। सांप जब भी काटे तो ये मत कहिए कि फलाना टाइम के लिए दिया पेशुआ साफ है, हमारा घर में झरवाए के चक्कर में चल जाए, उस दौरान आपका मृत्यु हो जाएगा। कौन तरफ से चलेगा कि कौन सा सांप काटा है, आप कोई भी सांप काटे आप हॉस्पिटल चल जाइए, हॉस्पिटल जाने के बाद में इसमें ऑप्शन होता है, डॉक्टर के पास जाइएगा तो आपसे ऑप्शन पूछते रहेगा कि क्या आपको कैसा लग रहा है, तो आप बताइएगा कि हमको पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रही है, मैंने गला सूखन हो रहा है, ये सब ऑप्शन होता है, उस दौरान आपका एंटी वेनम लगेगा। अन्यथा ये नहीं कि सांप ये ऐसा सांप है कि जिस तरह से अभी काटा है ना, अभी उस चूहा को खाया है, अभी काटेगा हमको ना, इसमें जहर नहीं है, ये सारा जहर उसमें उगल दिया है अपने भोजन पचाने के लिए। ये 10 दिन तक किसी व्यक्ति को काटेगा अभी तो जहर नहीं उसमें फैलेगा, नहीं। एगो डब्बा मंगाए, एगो डब्बा डब्बा हमारा यूट्यूब चैनल चलता है भैया, आप चैनल देखिए अमर स्नैक कैचर के नाम से, अमर स्नैक कैचर के नाम से। एगो डब्बा, एगो डब्बा मंगाए। दोस्तों हम यही कहेंगे आप लोग से कि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।